8 जून और 14 जून ये दो वो तारीखें हैं जिसने बॉलीवुड का नक्शा बदल कर रख दिया है। जी हाँ, 8 जून को क्या हुआ ये जानना हर कोई चाह रहा है और 14 जून को आज तक कोई भुला नहीं पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ये दोनों ही केसेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और अब सबसे बड़ी गवाही, जी हाँ, चश्मदीद गवाह, आई विटनेस एज इन जिसने वो सारी चीजें अपनी आंखों से होते हुए देखा वहां पर, वो बंदा सामने आ गया है और आकर उसने न्यूज नेशन पर अपना कन्फेशन दिया है, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया है उसने। जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि न्यूज नेशन ने कल एक स्टोरी पब्लिश की, कल एक वीडियो पब्लिश किया जहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिखाया एक ऐसे बंदे का जिसका नाम रिवील फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन उस बंदे ने कहा कि मैं उस पार्टी में मौजूद था, वहां पर एक पॉलिटिशियन का बेटा, एक एक्टर, साथ ही साथ एक दो लोग और, इस तरह से कई सारे नाम लिए उन्होंने, एक पॉलिटिशियन का इनफैक्ट बॉडीगार्ड, इन सभी ने मिलकर दिशा सालियान के साथ रेप किया है। जी हाँ, इट इज अ ब्रूटल गैंग रेप एंड बहुत ही ज्यादा शॉकिंग कन्फेशंस दिए हैं इस बंदे ने। इसने कहा कि मैं अपना नाम इस वक्त रिवील नहीं करूंगा, लेकिन हम वहां पर मौजूद थे, मैं अपने दोस्त के साथ वहां पर गया था, उस पार्टी में तकरीबन 14-15 लोग थे और 4-5 लोगों ने मिलकर इस हरकत को अंजाम दिया है, और ये होने के बाद हम जो है, हमें कहा गया कि आप लोग जाओ, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, और फिर हम जब निकले हमने देखा दिशा की बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी बेड पर। जी हाँ, यानी कि अब प्रॉब्लम इस बात में आ रही है, अब एक क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि दिशा की बॉडी बेड पर थी, यानी कि रेप करने के बाद में भी जो भी चीज़ें हुई होंगी उसे मार दिया गया एंड फिर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंका गया, क्योंकि अगर आपको याद हो तो बिल्डिंग के जो गार्ड थे, बिल्डिंग के नीचे जो लोग थे, उनसे जब पूछताछ की गई थी तब उन्होंने भी कहा था कि हमें कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई, हमें सिर्फ धम्म से गिरने की आवाज़ आई, यानी कि बॉडी जो ऊपर से थी वो डायरेक्ट नीचे गिर गई। अब पार्टी करते करते ऑल ऑफ अ सडन तो कोई कूदेगा नहीं, तो डेफिनेटली अब जो चीज़ें हैं वो लिंक में बैठ रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें एक सर्कल में फुलफिल हो रही हैं कि किस तरीके से दिशा के साथ ये सारी हरकतें हुई। उन्होंने कहा कि अगर आप बांद्रा, अगर आप 8 जून या 9 जून, 8 जून का आई गेस, अगर आप फुटेज बांद्रा रेलवे स्टेशन का 8 जून का फुटेज अगर आप निकाल कर चेक करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि मैं और मेरा दोस्त, हम रोते हुए स्टेशन पहुंचे थे और हमने ट्रेन ली थी, और हम रोते हुए हम स्टेशन पहुंचे थे और वहां से हम गए थे, बट अगर आप फुटेज निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और मुंबई पुलिस इन सभी चीज़ों के बारे में जानती है, तभी वो बचाने की कोशिश कर रही है। एक पॉपुलर एक्टर का भाई भी वहां पर था, अब यहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेस का भाई, बॉलीवुड एक्टर का भाई, अब नाम तो किसी का रिवील नहीं हुआ है, लेकिन इट इज़ वेरी मच क्लियर, वेरी मच ऑब्वियस, ये चीज़ें समझ में आ रही है, और शायद अब जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ रही हैं कि कैसे। स्टार्टिंग में ये बात अगर आपको याद हो कि आ रही थी कि दिशा ने सुशांत को ये सब चीज़ें बताई, सुशांत वॉज रेडी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दिशा को जब मार दिया गया तब सुशांत वॉज वेरी श्योर कि अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मुझे पता चल चुका है, और इस तरह की तमाम बातें अब जो है वो सिंक में बैठ रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस आई विटनेस ने कन्फेशन दिया, उन्होंने कहा कि वक्त आते ही मैं सीबीआई के पास जाऊंगा, और अब तक जब उनसे पूछा गया कि अब तक आप 100 दिन हो गए हैं, अब तक आप कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत डरा हुआ था, जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही मैं बहुत घबरा गया था, और अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने एक बेटी को पहले भी मारा है। अब आप खुद लिंक कर सकते हैं ये चीज़ की क्या कहना है उनका। उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद समझ जाओ कि उस पार्टी में वो भी मौजूद था जिसने एक देश की एक बेटी को ऑलरेडी वो मार चुका है। आप भी खुद का अपना दिमाग लगाइए कि किसकी बात हो रही है, और इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस। और उन्होंने कहा कि अब मैं सामने आ चुका हूँ, मैं इनको अपनी मर्दानगी दिखाने का बहुत शौक है ना, इनकी मर्दानगी अब उतरेगी जब जनता के सामने सच आएगा। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन।